तेलाबुंग तापलाजुंग डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा कस्बा है गाइस, जो कि पड़ेगा आपको जब आप पाथीवड़ा के दर्शन के लिए जाएंगे तो रास्ते में। मैं बस से जा रहा था, बस ने मुझे यहाँ पे उतारा और मैं जब पहले यहाँ पे उतरा तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मुझे बस ने कहाँ पे उतार दिया और लिटरली मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल डर गया था यहाँ पर उतरने के बाद। लेकिन जब मैं यहाँ पर उतरा और सामने जो आप ये दुकान देख रहे हैं वहाँ पर आंटी से मिला मैं, तो उस टाइम पे मतलब आंटी से मिलने के बाद मैंने नेपाल की सबसे अच्छी चाय पी और काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस था। और ये जो तेलाबुंग विलेज है काफ़ी अमेजिंग है और नेचर की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि तापलेजुंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो गाइस आप ये देख रहे हैं, ये तेलाबुंग का हाइड्रो सब स्टेशन ना बन रहा है, हाइड्रो पावर सब स्टेशन, और ये अराउंड 3 साल से भी बन रहा है। और यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग हैं। यहाँ पे करीब 300 लोग काम करते हैं और सब कोई वहीं से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो टेंडर है वो इंडियन कंपनी के पास है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये बीच में एक छोटा सा वैली, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गाँव बसा हुआ है। और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे आंटी जो मुझे मिली स्पेशली वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हेल्पफुल थी। उन्होंने मुझे कितने सारे डिस्काउंट दिए, सिर्फ 200 रुपये में मुझे उन्होंने होम स्टे प्रोवाइड किया, 200 नेपाली में इनफैक्ट, जो कि 130-140 अराउंड इंडियन के आसपास पड़ेगा, 130-140 के बीच में फॉल करता है। तो गाइस ये है एक छोटा सा रास्ता, छोटा सकरा रास्ता, क्योंकि ऊपर आपको सागो से तेलाबुंग की तरफ लेके आता है। और काफ़ी डिफिकल्ट है इस रास्ते को चढ़ना। आप देख सकते हैं कि नेचुरल पत्थर जो है उसे काट के इस रास्ते को बनाया गया है गाइस। ये पत्थर है वो पूरा नेचुरल है, ये कोई आर्टिफिशियल पत्थर यहाँ पे या सीढ़ी नहीं बनाया गया, ये एक्चुअली पत्थर ही था जिसे काट के यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। मेरा तेलाबुंग का एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी अच्छा रहा और शायद मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो मैं उन आंटी से, उन भैया लोगों से नहीं मिल पाता जो मुझे यहाँ पे मिले थे।